तो घने दर्द है कौन बताएगा क्यों तो क्यों कौन है तो बताना तो चाहिए लोग फोन कर रहे हैं लगा को नहीं बस सीधे ही इन्हें बढ़ाएगा बाद में ये वाला टैलेंट कोई भी नहीं कर सकता ये मैं बचपन से करती आई हूँ ये देखो वॉइस ऑफ किडनी तो दिखा तो सही जैसा कि आप सबने देखा गोलड़ा आ चुका है सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स खवांगड़ी सा तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है और अब फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं 5 मिनट के अंदर अंदर चिराना और चिराना में मैं आपको मेरा चिराना तो वैसे काफी बार मैं बता चुकी हूँ जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको तो पता होगा मेरा गाँव कहाँ है कैसा है वो सारी चीजें पता होगी बट मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको नहीं पता होगा तो मेरा गाँव मैं पहले तो ये बता देती हूँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चिराना है और करके पास में चिराना पड़ता है वैसे गोलड़ा जैसे कि आपने देखा ही था और हमारे चिराना में ये हुकुमगढ़ पैलेस बहुत ही तगड़ा एक पैलेस बना है काफी अच्छा है रिजॉर्ट है ये पिछली बार हम आए थे ना तब यहाँ पे आके भी गए थे मामी सा मामू सा पूजा हम सब आके गए थे अंदर से बहुत ही शानदार वाले रूम वगैरह है और पूजा का फोन आएगा हाँ तो अब है ना बस थोड़ी देर बाद में मैं मेरा गांव आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी ठीक तो देख लिया मेरा गांव की तो मस्त है है ना तगड़ो मैं तो बंद होगी दुकाना गाइज आप सबको मॉर्निंग में दिखाऊंगी मेरा गांव अभी तो सारी शॉप वगैरह बंद हो चुकी है मतलब हर चीज की फैसिलिटी है हमारे गाँव में कोई भी चीज नहीं ऐसी कि आप आपको यहाँ पे मिली नहीं जैसे हॉस्पिटल हुआ बैंक हुआ ये हमारा गांव का हॉस्पिटल है ऊपर की साइड आप देख सकते हो SBI बैंक है और जस्ट सामने आप देख सकते हो लालटा गट्टा गियर चेंज भी गियर डाउन गियर पर आज भी कभी ड्राइवर को ध्यान कितना ही की करो गियर पे ध्यान नहीं छोटू जी यार कितनी बोल लो ओके मेरा गांव देख लेते हो ना तो फिर गियर वेयर सब कुछ भूल जाते हो अब बस मेरी मम्मी देख लूंगी ना तो ध्यान भी भूल जाऊंगी आई बात समझ में माँ तो माँ होती है यार माँ की ममता लाड पिता का चार भुजा मंदिर के पास में हमारा घर है गाइस ये फुल्ला फुल क्या हो रही है कौन है हवेलियां दिखाऊं माँ की गाँव की कितनी तगड़ी तगड़ी है ये मंडावा में रुका हाँ मंडावा की हवेलियां देखिया मगर ही देख लिया तो कितनी शानदार है गाइस अब मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी मम्मा से मिलवाऊंगी और मेरी मम्मी का जो रिएक्शन है ना वो भी कैप्चर करूंगी मम्मी खतरनाक वाली ऐसे जाएगी सर तू मन फोन तो करती कम से कम मैं वो कर लेती ये मोद्रिश की पॉइंट है ध्यान से रिश की पॉइंट तो हमारे लिए नहीं होता गाइस ये देखो किस नहीं होता पिछले कोनो इशू है यार थरी कसम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एकदम तकड़ी रे बावली बात करो मैं एक एक इंच इंच ठगी है ना मन बेरो रे थे डरो मैं थोड़ी डरू बावली बात करो ओके गलत है क्योंकि सरप्राइज दे दिया है मन ठाई को नहीं है सरप्राइज मिल गया ना जाने ये काई कर रही तो बेटा क्यों बा क्यों मम्मी बताओ वे आई है अभी मैं मैसेज करियो देखिए कौन दिखे है ना दो दो फिर काई मैसेज करियो मैं की कर दा रही है क्या नहीं किया तब ये तो पतला हो गया है मम्मी ये तो पतला हो गया बताओ गाइस है ना मेरी मम्मी ने 20 दिन हो गए मम्मी ने ना बताया नहीं 29 दिन हो गया और बताओ बताया नहीं मन दो निमा बेटा अब 2 दिन पहले बताए ओ क्यों बताया क्यों नहीं तो बताओ सर ये क्यों रो लगे बताओ क्यों कौन बताया था भाव को क्यों एक बटवा में भाव कर दिया एक में भाव कर दिया आज आज मैं 2 मम्मियां ने भाव तो बताया क्यों नहीं तो थे हैं अरे मेरे तो घने दर्द है कौन बताएगा क्यों तो क्यों कौन हैं तो बताना तो चाहिए लोग फोन कर रहे हैं मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई गाइस
थे कहीं के पीछे के रीजन हो क्यों कौन बताया दे अरे रखो जैसलमेर गए जी पहले भी नई साल तानी कौन बताया दी कारण कौन बताया तो नई साल में के नई साल में बताता तो मैं जल्दी पूजन भेज देती ना हैं चलो इलिए मैं तान बताया वो नहीं पजमा सोची ये बांध के लगाओगा ई खातर ही तो थाने ने फोन फोन कर रही मैं ये तो कर दियो ना थकाली सी बताओ तो यहाँ देख सकते हो मम्मी ने बनाई है कड़ी और ये गोभी की सब्जी बनाई है ये पालक की सब्जी बनाई है और ये दाल बनाई है और ये है क्या बोलते हैं इसको मम्मी फिनी और काजू कतली जवाई सा तो इतो खाई जाए पूरी जवाई सा लगा दियो थाल क्या मैंने खाना खा लिया सा कसम खाओ आपकी कसम मम्मी से पूछ लो मम्मी खानो खा लियो ना मैं एक ला दे तो बहुत ज्यादा यार तो ये तो जवाई सा का प्यार है ये पराठा बनाए मम्मी ये परांठा ने क्या बोला है ये परांठा ने काई बोला बाबू बोला करती नहीं परांठा ने बटियो ओ बटियो बनाए बिया बनाओ किस बिया रोटी बनाओगे तो नहीं नहीं आ तो बटियो चोको लगे मेरे बीन मोटो कर देगा फिट फाइन कौन रे बदेगी मम्मी अगर आटा छोड़ दियो तो काजू कतली तो बेटी ने भी कौन गाली है सूखा गाजरा सूखी फड़ी भेज दी दादा ने मम्मी मम्मी ने कह रही हूँ मैं किम्मा बना दू रोटी मम्मी के ना मम्मी मेरी दाई को नहीं दो रोटी बनाई जगह क्यों मम्मी अच्छा और मम्मी ये क्यों है कि ये छोटा फली की सब्जी बना बुक मन तो कहीं ध्यान खाओ काचरा भी है और पापा और ये किया है कि बाजरो ने जीतो खा लेने के पूरी सर्दी का माइन मम्मी ने और पापा ने की जो बाजरो खावे और खत्म हो जाए लोगों ने जना पच बाद में मैं आतो चिराना रुक के बाजरा चढ़ा होनी आजकल मम्मी कुछ नहीं होता ऐसा चढ़ना नहीं चढ़ना ये सारी चीजें आजकल गलत हो गई आपने भी तो 20 बरस की बेटी दी है उनको आ कोई बात को नहीं भाई खाने के बाद में पापा आ गए पापा था गजक ले रहे हैं और थे बोले ना कि पानी अच्छो कौन लगे और लियो बिस्लेरी लियो थे भी के याद रखोगे मेरा राज में हेलो गुड मॉर्निंग तो नेक्स्ट डे की हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई और यहाँ पे मैं साफ कर रही हूँ बर्तन आज मम्मा का मैं सारा काम करूँगी जैसे झाड़ू हुआ बर्तन हुआ रोटी हुई सब्जी हुई सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ तो फटाफट से मैं उठ गई और आज खतरनाक वाला फॉग है फ्रेंड्स खांगड़ी सा गुड मॉर्निंग तो जीराना की नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई है मैंने बर्तन साफ कर दिए झाड़ू निकाल दी मैंने पोछा लगा दिया वैसे मैं पीहर में आके काम नहीं करती जब पूजा होती है तब अगर आज तो आज क्या पूजा थी नहीं फिर मैंने सोचा कि है ना मैं ही मम्मी की हेल्प कर देती हूँ मम्मी अब जा रही हूँ मैं छाछ लेने के लिए पहले पूछ लेती हूँ मम्मी आई है फिर कोई दूसरी आई ली होंगे मम्मी को केतली पूछ रही भाई छाछ चढ़ाएंगे मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में छाछ करा है जब तो बड़ी ले जाऊँ और कम क्वांटिटी में छाछ करा है तो छोटी ले जाऊँ तो मैंने छोटी वाली ही सिलेक्ट करी है अब चलते हैं अपन छाछ लेने के लिए जो कि आप सबको पता ही है यार गांव में फ्री में छाछ मिल जाती है हमारे क्या जयपुर में तो लेनी पड़ती है छाछ 20 रुपये किलो नहीं आजकल 25 रुपये किलो कर दी 25 रुपये किलो आती है वो भी इतनी पानी पानी आती है काकी साहब छाछ होगी के या फिर बाड़ा मत बना दीजिए देवन और ये हमारी मिर्चा
नाम मत लिया करो थे। मिर्ची नाम निकाला मैंने इसका, वैसे इसका नाम इशू है, इशू है ना, नाम का लिखनी है क्या, लक्ष्मी लिच्छमी 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 नाम है वैसे इसका, पर घर पे इशू काकी साहब से मेरे को पता है कैसे कर रहे हैं, देखो मैं आपको पीछे बता देती हूँ क्योंकि उनको मैं दिखा नहीं सकती, वैसे कर रहे हैं एकदम एकदम। व्लॉग में नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना, नहाए धोए नहीं है हमारे काकी साहब। चलो 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 नहीं लूंगी है, उठ गए तो बच्चा, और देखो दूर देखो, पापा तो यहाँ के रोजीना माँ के दूर हुए ही को नहीं था को नहीं मैं खेड़े चलो मैं मन पापा उठता नहीं कहेंगे कि तू जोड़ी वाली दूर हट ले रहा है सही में देखो बढ़िया ना है ओ बढ़िया देखो वो मंदिर ही कौन दिख रही है दीदी हाँ अब बढ़िया बात हो रही है हमारे हमारे सूटी जी आए अरे सूटी दे सब ना कर दे ना फोटो है हाँ सुबह ने रोड पे ना सुबह ने कहीं फोटो चलो गाइस चलते हैं ऊपर लेके आते हैं छाछ है मिर्चा चल मिर्ची तो यहाँ की मालिक मैं ही हूँ छाछ में मैं ले रहा हूँ कहाँ पे छाछ मिर्चा देख अच्छा मटकी के अंदर इसके अंदर इसी के अंदर ऐसा ये हमारी खुशी हेलो गाइस करो हेलो गाइस आज सरमारी की है खुशी आजा मिर्ची अरे आ रही हूँ भाई छाछ लेके आ गए अपन और गाइस है ना मेरे को एक टैलेंट भी आता है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी हाँ वो पता है मुझे क्या आपने है ना पिछली बार व्लॉग में दिखाया था ना हाँ तो वो टैलेंट आज और दिखाऊंगी मैं दिखाऊं क्या ढक्कन खोल के फिर आपने ऐसे करा था वो छाछ नहीं खिंडी थी हाँ वो छाछ नहीं खिंडी थी गाइस तो ये देखो करके देखेंगे तो गाइस आपको मैं मेरा जो टैलेंट है ना वो दिखाती हूँ ये छाछ है मम्मी कहीं कह रही है मम्मी क्या कह रही है कि किशोर टैलेंट दिखाओ है ढोल देगी डोल दूंगे तो नहीं सब अभी सा करो दूसरी लेयर आ जाऊंगी टेंशन मत लो तो गाइस है ना इसको मैं एकदम ये देखो भाई ये खिंच जाती है वही ये सही है देख सकते मम्मी को चीर है क्यों मम्मी के भाई रेपद है तो गाइस आपको एकदम सामने से दिखाती हूँ देखो ये मैंने ढक मेरे हाथ में ले लिया है इसके बाद में ये वाला टैलेंट कोई भी नहीं कर सकता ये मैं बचपन से करती आई हूँ ये देखो भाई साहब खिंडी नहीं तो दिखा तो सही ये लो ये देखो गाइस और मेरी मम्मी को जीव है ना कंठा मारे एक टपको भी कंट्रोल लो ये तगड़ा टैलेंट है गाइस मेरे अंदर और मेरी जो मम्मी है ना जितनी देर वो टैलेंट करनी हो ना आपको दिल काट जो है ना वो हाथ में लिए बेटी बेगार के कर देती जने तो बेगार के चक्कर में ही तो क्वालिटी कमाइन करके आई हूँ वो टैलेंट है ना बढ़िया लगे ना तनवी और सुनो मम्मी आज तो छाछ ही थे तो दूध के साथ तो करवाई कौन थी मन्ना ने के और के तो गाइस छाछ लेके मैं घर पे आ गई और ऋषभ के पापा को मम्मी ने नाश्ता वगैरह सेट करके दिया है दोग घर जा रही मैं छाछ ले रही हाई कौन थे अच्छा दोग दे चलो मैं बटे यार दोग दे कोई सब्जी वगैरह मंगवाई थी तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिन में मेरा गांव दिखा देती हूँ रात को तो मैंने दिखाया ही था और यहाँ पे हमारे ऋषभ के पापा ये वाला मैंने रात को बैंक दिखाया था ना येलो कलर बहुत गंदो कर रखे है ना सॉरी हॉस्पिटल 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 और जो मेरी शादी का एल्बम बनाया है ना ये राजकमल ने बीच में एकदम धड़ल्ले से ये ऐसे बोल रहे मेरा गांव है ये राजकमल फोटो स्टूडियो ने यहाँ पे मेरा जो एल्बम था यहाँ से बनवाया था मैंने आप पूजा की स्कूल हुआ करती इंडियन पब्लिक स्कूल दिख रही हो पर इंडियन अटल लिखे हो पहले इंडियन पब्लिक इंदिरा पब्लिक स्कूल तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए घर पे और मम्मी बना रही है बाजरे की रोटी अपने जमाईसा के लिए है मम्मी मम्मी ये गिरी है दो दिन और रुक जा क्यों भाई दो दिन और रुक जा बेटा एक रात आई पाई एक रात तक आई पर थक देखो रोटी रटर बनानी पड़ रही है मम्मी इतना दर्द है पूरा काम तो ही करी है मतलब खाली बाजरा की बनाई आज मम्मी क्या झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीजें मैंने करी है मम्मी का याद तो करसी सुबह करसी भाई है ये घड़ी याद करो ये घड़ी याद करो मैं करी भाई छोया जाए बदियो और कुछ कैसी हो जो
अब मैं पूजन भेज दे जातनी, पहले तो पूजन जातनी फोन दी रहो पड़सी फोन भी गब्बी को पता मेरे को नहीं के बैड के पीछे पड़ गयो खराब गयो। बस दो ही बना जो एक मेरी रेख रीछ पापा की, एक के खाशा मम्मी है ना, मेरी जो सासू माँ है ना वो तो आटे से बनाती है, मेरी जो मम्मी है ना वो रोटी पानी से बनाती है। आज दिखाती हूँ मैं मम्मी पानी से बना दिखाओ सबने। आप अजीब क्या खोल दिए निकल गई, निकल गई मेरा तो 12 महीने पतला हो गया थे। हाँ भी होगी 12 महीने ही होता है ना, 12 महीनों करानी पड़े हैं पतली। तो मम्मी जोरदार बना दी रोटियां गल लो भाई, मैं तो बाकी बावली बनाई हूँ बंद सीता हो गई पाकी पावड़े बने जी ना वे बढ़िया। देखो मम्मी ये कह रही है कि सगी बात की है, तीन बात की को नहीं है तीन कूट की है। ये देखो मम्मी ये कह रही है कि मेरे सगी जी ने बहुत अच्छी रोटी बनानी है बड़ी बड़ी। मैं तो बाजरे की बनिया मम्मी थे ना, ये बताओ मैंने बाजरे की रोटी थे थक गाँव में सीखी या फिर अटे सासरा मार सीखी? मार तो दादी से सीखा था बापू कहता कही ये करो ये करते जितना मेरे तो वो वेज को सो निकल जाता। अच्छा बेटिया रे बेसिक का। अच्छा तो मेरे जो दादी से है ना उन्होंने सिखाई थी मेरी मम्मी को बाजरे की रोटी, फिर भी मन तो कोनिया मम्मी की फिर भी मन तो कोनिया हुई थी। तो आज मैंने सुबह से काम वगैरह किया मम्मी का, वैसे है ना मैं करती नहीं हूँ काम, जब है ना पूजा यहाँ रहती है ना तो उसी को झाड़ू पोछे बर्तन करने पड़ते हैं, बट आज पूजा नहीं थी तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। वैसे मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब थी, मैं हमेशा ना जब भी है ना यहाँ पे आती हूँ ना चिराना तो सोच के इतना भी काम होगा ना वो मैं करूँगी, बट अपन सोचते ही है पता पीहर में क्या होता है वो आलसीपन आ ही जाता है यहाँ पे पीहर में आने के बाद में, एक तो सुबह जल्दी उठना नहीं होता और साथ ही साथ अपन ऐसे सोचते हैं यार हो रहा है काम मम्मी कर रही है या फिर पूजा कर रही है निकल रहा है, पर अपने ससुराल में अपन है ना एक्सपर्ट हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठो, बच्चों का लंच बॉक्स बनाओ, फिर बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को नहलाओ, खाना बनाओ, झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन करो, मतलब वहां पे अपन है ना एक रोबोट बन जाते हैं, बट पीहर में आने के बाद में इतने आलसी हो जाते हैं तो करना ही पड़े। हाँ यार मम्मी बैठे तो है ना मतलब कंपल्सरी हो जावा कि करना ही पड़सी। मम्मी ने गालियां कटाती जनार, पर मम्मी कहती है तो भाई माँ क्यों कौन सिखाई, माँ क्यों कौन सिखाया, तो यही कहता यही कहता अपन भाई पर तो कदे आई की मुख कदे भी ओल मुख खायो तो भाई मैं कदे कौन बढ़ूंगा तुम। हाँ एक मम्मी का है ना मेरे शादी के टाइम एक डायलॉग भी दिया था मम्मी ने मुझे कि लड़ाई करके आओगी ना तो घर ना देर तानी खुलो को नहीं, मम्मी लड़ाई करके आओगी तो अन्न देर तानी घर खुलो को नहीं, अगर प्यार से आवा तो आराम से 1 महीना 2 महीना 6 महीना तेरे जच्चा जच्चा। शूटी आ गई, शूटी शूटी आ गई आ गई, तो खाना वगैरह हमने खा लिया है और हमारी जो शूटी जी है ना वो आ गए, मेरे है ना बड़े मम्मी लगते हैं और इनको प्यार से मैं सूटी बोलती हूँ, बताऊँ क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक लंबी कहानी है गाइस, क्या ही बताऊँ मैं आपको, है ना मम्मी? काकी साहब हेलो पढ़ रहे हैं, सब्जी लेनी है कि ताने सब्जी आलू आए हुए हाँ, धूप सर्दी में धूप के मजे ही कुछ अलग है यार, मतलब सर्दी में अपन को धूप छोड़ने का मन नहीं करता और गर्मी में धूप देखने का भी मन नहीं करता। मम्मी यार मैं नहा ही कौन पा रही, आड़स आ रही है मन क्या ही करूं, नाड़ो भी पड़सी पानी तो गिरना है पर मैं अजीब सी लग रही हूँ, मेरे को है ना मतलब हेयर वॉश करे हुए कम से कम 4-5 दिन हो गए, एक तो है ना वहाँ पे जोड़ी में इतनी भयंकर वाली ठंड पड़ती थी तो उस चक्कर में वहाँ पे मैं ना हेयर वॉश मैंने किया ही नहीं, 4-5 दिन वहीं पे थी ना मैं, जयपुर का मेरा हेयर वॉश किया हुआ है उसके बाद में मैंने कहीं नहीं किया। लगा जाओ मम्मी आओ तो बातें करें अपन, अपनी अपने फ्रेंड से बातें करेंगे, मम्मी सब बोल रही है कि मम्मी ने बैठी लो आओ, मम्मी ने शर्म बहुत है भाई आओ ना, मम्मी ने ढाल को चूड़ो है ना पैर वो मेरी सासू माँ सिखायो, 4 मीटर कपड़ा पैर वो भी मेरी सासू माँ सिखायो, मेरी मम्मी ने शादी के बाद में कभी भी है ना 4 मीटर सूट नहीं पहना, बट है ना मेरी जो सासू माँ नहीं है क्या उन्होंने बोला कि आप है ना 4 मीटर में भी बहुत अच्छे लगते थे, कितना सुंदर लग रही है मेरी मम्मी सुंदर बहुत लग रहा हो गया कि शर्म आवे भाई, शर्म क्या है ये घूंघटा खोल के बात करो, तो मेरी मम्मी को भाई शर्म बहुत आती है,
मम्मी ने ना सेम टू सेम मैंने मन था कि कॉपी बतावे नहीं भाई मानो तो बड़ी अलग है नहीं नहीं ओ देखो डबल चिन है ना डबल चिन मेरे भी दिए थे देखो और मन लगा यार मम्मी मेरा भी थायराइड है थका भी था मेरी जो मम्मी नहीं है क्या मम्मी के भी थायराइड है और मुझे ऐसे लगता है ये जेनेटिक है मेरे भी आई गई होगी है ना मम्मी आसी आसी मम्मी का तो 100% है मेरे तो है ही हाँ वही तो मेरे जेनेटिक आएगी ही अब मेरे को भी लग रहा है मैंने चेक नहीं करवा रखा थायराइड तो है मेरे भी ऋषभ के पापा अगर जाते हैं मेरे को लेके जाए तो सही है मम्मी मेरा कंठ में दर्द भी हुआ था कंठ में दर्द हुआ कि था कभी मतलब मेरा ना अठोइया एक तो ज्यादा रोऊ ना मैं जना दर्द हो जाए एक ज्यादा जोर बोलू रीस हो गुस्सा आवे जना दर्द हुए अच्छा था कभी होगी मतलब मन गुस्सा आवे ना जो मेरा यहाँ कंठ में यहाँ बोलबा की इच्छा को नहीं हुआ यहाँ क्या करूँ मेरा अठोऊ कनपटी रहे चीजें फट वाला आ जाए मेरे को भी चेक करवा के आना नसा या मतलब यहाँ लग गई ब्लास्ट होगी यहाँ लग गुस्सा तो था जवाई पर आ जाए तो कैसे से आना तो भी आ जाए कबाब पर गुस्सा तो था जवाई ले दे मेरा गुस्सा तो पूछो मत क्यों बदमाश मिलता जना गई अरे मम्मी बहुत बदमाश लेला जो लम्मा करिया कोई अच्छा फोन लेना जो नम्मा क्यों ही जो नम्मा गणा करे है बरत करे है कितना सारा तो काई करियो ने तू क्या कौन करियो दो 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 बे बोलिया माइनू हां सही इतना बरत करियो मैं इतना बरत करियो था के खातर कोई एक कर दे तो भी कोई बात को नहीं है मम्मी बेटा यही करे बावली बता तो गाइस चलो मैं नहाने जाती हूँ और आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ होप सो आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में नहा लेती हूँ मैं तब तक और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है मेरा 4 बजे इवनिंग में है ना मम्मी आज तो अठे रेसी था हाँ मम्मी बोल रही अठे रेसी पर अठे नहीं रह सकती मैं नेक्स्ट व्लॉग मेरा जाने का ही होगा मम्मी को छोड़ के हमेशा रेवर अठे दो दिन भी को निकाल सके दो दिन भी को निकाल सके या 20 साल की कर दे दे बाद के मायदा ती हो जाए बस अरे मम्मी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई आपको क्या बताऊं मेरे बच्चे हैं घर आ गया मेरे ऊपर मेरे दिमाग को भी होया कि भाई अपन जलम दिए तो भी के करने लिया 2-3-4 दिन अरे यार मम्मी वह बात था कि सही है पर मैं जाऊंगी तभी तो पूछ जाएगी है ना तो भी रे तो रेसी लान पर तो भी 2 दिन तो मैं भी है जाऊं भाई तो भी रे पर मेरे को आगे जाके बहुत सारे काम पड़े 2-3 काम पड़े काम तो है ठीक है गाइस बाय लव यू